अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप ब्लॉग में पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और आप उस पोस्ट को एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें मेटा टैग्स कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका मेटा टैग यहाँ पे सेटिंग्स में था। सेटिंग में बेसिक सेटिंग जो है, बेसिक सेटिंग में आपका टाइटल और टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन दी हुई है और उसी के नीचे अगर आप देखें तो सबसे नीचे आपका अदर है। अदर में आपके पास सॉरी अदर के ऊपर जो है सर्च प्रेफरेंस है, इस पर क्लिक करें तो इसमें मेटा टैग दिया हुआ है। सेटिंग में आप क्लिक करेंगे और सर्च प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मेटा टैग दिया हुआ है और मेटा टैग डिसेबल है। अगर मैं न्यू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन है। एक यहाँ पे क्योंकि हमने एक पोस्ट क्रिएट करनी है तो पोस्ट के लिए आपके पास जो है तो उसकी डिस्क्रिप्शन होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास मेटा टैग की डिस्क्रिप्शन नहीं, तो आपने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए आपने क्या करना है, दोबारा मैं इसको बैक जाता हूँ और यहाँ पे मेटा टैग पे क्लिक करता हूँ। ये डिसेबल किया हुआ है, इस पर एडिट पे क्लिक करता हूँ, यस करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें तो आपका सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया जो कि मेटा टैग से रिलेटेड है। अब पोस्ट के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे पोस्ट टाइटल देना है और पोस्ट के बाद यहाँ पे आपके पास लेबल्स आ जाते हैं। जैसे कि मैं पोस्ट टाइटल देता हूँ यहाँ पे फ्री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो आपके पास टाइटल है सही कि नहीं, तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। नाम अच्छा सा नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस है और यहाँ पे ब्लॉगर का फ्री गूगल ब्लॉगर ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है फ्री। आपने यही इसी तरह का कोई ऐड कर लेना है, इससे मिलता जुलता आपने ऐड कर लेना है और यहाँ पे मैं फिलहाल यही कर लेता हूँ। यहाँ पे लर्न को छोड़ें, फ्री ऑनलाइन यहाँ पे कर दें। ये लिख लिया और यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन देनी है तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं अपनी वर्चुअल एकेडमी से ही कुछ चीज टेक्स्ट उठा लेता हूँ। पेस्ट करता हूँ, याद रखें कहीं से किसी भी वेबसाइट से उठाना नहीं, अपने टेक्स्ट उठा के पेस्ट नहीं करना, ये कॉपीराइट इसमें कॉपीराइट क्लाइम हो सकता है। और अगर कॉपीराइट का आपके पास एक बार भी आ जाता है एक तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपकी वेबसाइट और आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। लिहाजा आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से ही टाइप करना है। कोई भी टाइटल है, कोई भी चीज़ है, खुद से आपने टाइप करना है और ओके जैसा कि यहाँ पर मैंने ये आप लिखा हुआ है, इसी चीज़ को अगर आप अपनी लैंग्वेज में आई मीन अपने चेंज करके कुछ अपने तरह से आप इसे लिखें तो ऐड हो सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यही हो लेकिन वो आपकी अपनी वर्डिंग हो तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कभी भी कॉपीराइट नहीं करना, जो कि बहुत गलत बात है किसी का डेटा कॉपीराइट करना। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ जो है तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। अब इसके बाद आपके पास अगर इसे पब्लिश करोगे तो ये आपके पास पब्लिश हो जाएगी, रेडी है पोस्ट तो पब्लिश हो जाएगी। अगर सेव करोगे तो सेव जब करोगे तो ये आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। तो ड्राफ्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बल्कि मैं इसको सेव करता हूँ तो ये ड्राफ्ट में सेव हो गया। अब दोबारा जब मैं ब्लॉगर में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वर्चुअल एकेडमी पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें तो पोस्ट है, पोस्ट पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ऑल पोस्ट, थ्री पोस्ट है टोटल। अब इसमें टू जो है वो आपके पास किस में, ड्राफ्ट में देख सकते हैं। फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज एक आ गया,
इसको आपने इस पे काम करना है तो काम कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा ये फ्री ऑनलाइन ब्लॉगर ट्रेनिंग जो कि मैंने सेव किया था, तो ये आपस ड्रॉप में आ गया। और एक पब्लिश जो हमने एक पब्लिश की है पोस्ट, वो यहाँ पे आ गई है। तो हमने एक शुरू में पब्लिश की थी, तो ड्रॉप पे क्लिक करके मैं इस पोस्ट पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं दोबारा से उस पर इसे पब्लिश कर सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे पोस्ट आ गई है। अब इसमें सबसे पहले लेबल, तो लेबल जो होता है, लेबल क्या होता है कि लेबल में आप कुछ ऐसे कंटेंट्स लिखते हैं। अब यहाँ पे जो लेबल है, लेबल में आपने यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लेबल है आपके पास, इंटरनेट सब मेन्यू वन, सब मेन्यू टू, और ये जो मेन्यू है तो ये सारे के सारे लेबल में है। तो हम जब मेन्यू क्रिएट करेंगे और उसके साथ ये जो ड्रॉप डाउन बटन ये आएंगे तो ये लेबल होते हैं, तो आपने लेबल ऐड करने, तो लेबल डिफरेंट किस्म के लेबल आपने ऐड करने। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेबल एक बना लेता हूँ, तो फ्री ऑनलाइन ब्लॉगर ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे मैं ब्लॉगर लिख देता हूँ। एक ब्लॉगर का लेबल है जिसमें कंप्लीट ट्रेनिंग है ब्लॉगर की, फॉर एग्जांपल ब्लॉगर ट्रेनिंग का एक लेबल मैंने बना लिया, और यहाँ पे इसको डन कर दें। और आप काफ़ी सारे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, तो अभी हमने फिलहाल एक ही लेबल बनाया है, तो जब और भी लेबल बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको मैं डन कर देता हूँ। और शेड्यूल, शेड्यूल का फंक्शन ये होता है कि आप ये जो पोस्ट है इसको पब्लिश करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि ये पब्लिश हो जाए तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर आप ट्रैवलिंग पे हैं या फिर कहीं बिजी हैं और आप चाहते हैं कि इस टाइम को तो मैं बिजी होऊंगा तो इस टाइम में ये पोस्ट पब्लिश करनी है, तो आप सेट डेट एंड टाइम लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पोस्ट को जो है तो मैं 23 जून 2016 को पब्लिश करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सॉरी 23 जून यहाँ पे जो भी है करने के बाद आप यहाँ पे से टाइम सेट कर लें, टाइम जो मैं चाहता हूँ कि कितने बजे हो, आप यहाँ से टाइम टाइप कर लें। फॉर एग्जांपल 2:50 पे ये पोस्ट जो है ये पब्लिश हो जाए, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप डन करेंगे तो ये बिल्कुल इसी टाइम पे पब्लिश हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली आपकी शेड्यूल के मुताबिक सेंड हो जाएगी। इसके अलावा आप इसे ऑटोमेटिक करके डन कर लें, आप खुद यहाँ से पब्लिश करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी परमालिंक। परमालिंक का फंक्शन ये होता है कि जो मैंने यहाँ पे देखे तो फ्री ऑनलाइन ब्लॉगर ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसका एक कंप्लीट एक लिंक आ जाता है। लिंक क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास virtualacademy.about.html मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, तो ये अलग से लिंक आ जाता है। इसी तरह आप कोर्सेज में जाते हैं तो कोर्सेज का लिंक आ जाता है, आप वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वेरिफिकेशन में लिंक आ जाता है। तो कोर्सेज में बस डिफरेंट किस्म के कोर्सेज हैं, आप यहाँ से भी कोर्सेज सेलेक्ट करके कर सकते हैं जो कि कंप्लीट LMS के थ्रू आप करते हैं कोर्सेज। तो LMS मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि LMS में आपने जो है तो यहाँ पे रजिस्टर होना है, रजिस्टर होने के बाद लॉग इन होना है, तो आपको कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। आपने एक वीडियो है यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कोर्सेज होंगे, आपने कोर्स सेलेक्ट करना है। अभी तक मैंने इसमें कुछ कोर्सेज ऐड नहीं किए हुए। और यहाँ पे आपने लेसन देखना है, लेसन कंप्लीट देखने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए डाउनलोड के भी ऑप्शन है, आपने इस पर टेक क्विज करना है, आपने 5 MCQs करने हैं, और उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट आपका हो जाएगा तो अगर 30 लेसन है 30 लेसन के बाद वहाँ पे फाइनल एग्जाम देंगे तो आपको डिप्लोमा इशू कर दिया जाएगा। तो ये LMS का फायदा होता है। अच्छा, तो ये आपके पास होते हैं जी परमालिंक्स। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो ऑटोमेटिक जो आपके पास परमालिंक्स है तो इसका बहुत बड़ा साइज है, खुद से क्रिएट हो चुका है ऑटोमेटिकली, तो ये बहुत बड़ा साइज है, तो इसको आप कस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कस्टम में क्लिक करके तो आप यहाँ पे दे सकते हैं फ्री ऑनलाइन ब्लॉगर ट्रेनिंग, इसको आप अपनी मर्जी से कस्टम करके दे सकते हैं जी। मैं इसको कर देता हूँ जी ब्लॉगर ट्रेनिंग, ब्लॉगर और माइनस का सिंबल आपने डालना है और ट्रेनिंग ट्रेनिंग आ गया, डन कर दें इसको। अब इसी तरह लोकेशन है, आप जो भी लोकेशन आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एबटाबाद। अब इस लोकेशन का फायदा ये होगा कि अगर कोई आप लोकेशन वाइज कुछ सर्च करना चाह रहा है तो आपकी अगर एबटाबाद कोई सर्च करते हैं तो एबटाबाद में आपकी ये मे बी कि आपकी आपका ब्लॉग भी यहाँ पे ऐड हो जाए, वहाँ पे सर्च आ जाए। तो एबटाबाद लोकेशन से अगर करना चाह रहा तो आप इसको भी डन कर सकते हैं। और उसके बाद आपका सर्च डिस्क्रिप्शन, तो सर्च डिस्क्रिप्शन जो होती है 150 कैरेक्टर पे होती है। 150 कैरेक्टर आपको कैसे पता चलते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेन वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको नहीं आता तो आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी वीडियो देख सकते हैं,
जिसमें मैंने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस ये सारा 2016 कोर्स में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो वहाँ से ये काम सीख सकते हैं। अब जैसे मैं कंट्रोल ही करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये सारा मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ चुके हैं। और इसी के आप यहाँ पे व्यू में जाएं, तो सॉरी आप रिव्यू में जाएं, रिव्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो देखें तो बता रहा है कि टोटल पेजेस कितने, वर्ड कितने, कैरेक्टर कितने, स्पेस को छोड़ के स्पेस को मिला के कितने। तो आपने 150 कैरेक्टर लिखे तो 150 कैरेक्टर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक कि 150 कैरेक्टर कहाँ तक। मैं इसको डिलीट करके दोबारा वर्ड काउंट करता हूँ, 218 है, और यहाँ से मैं यहाँ तक जाके दोबारा ऐड करता हूँ, 154 है, और 3-4 आप यहाँ से फिर ऐड डिलीट करके इसको ऐड कर लें तो अब 119 है, और कैरेक्टर विद स्पेस स्पेस को मिला के 142 है, स्पेस को मिला के इसको सर्च करते हैं। अब आपके पास ये कैरेक्टर है, आपने इस तरह का एक टेक्स्ट बनाना है जो कि डिस्क्रिप्शन के लिहाज से होगा, और डिस्क्रिप्शन आपने ऐड कर लेनी है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए आप को मैं बताता हूँ, आपने यहाँ पे जाना है, आपके पास एक लिंक है जी, आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइप करेंगे कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करें तो अगर आपके पास गूगल का अकाउंट ओपन है तो आप बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एडवर्ड्स में आ जाएगा, या फिर आप टाइप कर सकते हैं adwords.google.com। तो ये कीवर्ड एक प्लानर है जिससे आपको पता चलता है कि आपके हर रोज कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बेसिकली मैं आपको सर्च इंजन का कोर्स नहीं करवा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हर चीज वो बताऊँ जो इस ब्लॉगर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास कह रहा है आपने न्यू वर्ड फाउंड करना है, तो मैं फाउंड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्री ऑनलाइन ब्लॉगर ट्रेनिंग। अब इससे रिलेटेड आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन देनी है। अब ये मैंने ऐड किया, और यहाँ पे मैं देखिए टारगेटिंग आपने सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तान इंडिया हो जाता है, और कहाँ पे गूगल में इसके अलावा और भी सर्च इंजन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आपने गेट स्टार्टेड भी क्लिक करना है, और देखते हैं कि इससे रिलेटेड कितने वर्ड आपके पास आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गए, तो फ्री ऑनलाइन ब्लॉगर ट्रेनिंग तो बहुत कम लोग हैं। आप देखें ब्लॉगर कोर्स ऑनलाइन 20 लोगों ने जो है तो इस मंथ में उन्होंने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे इसी चार्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ बता रहे, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे देखें 390 लोगों ने एक इस दिन में जो है तो उन्होंने देखे वो बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज के लिहाज से उन्होंने सर्च किए। और इसी तरह अगर आप देखें तो हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग फॉर फ्री, देखें 880 लोगों ने यहाँ पे इसे सर्च किए। इसी तरह आप देखें तो यहाँ पे ये ऑनलाइन फ्री कोर्सेज, तो इसी तरह आप यहाँ से इससे रिलेटेड आपने वर्ड को सर्च करना है। तो यहाँ ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके जो है तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा टॉप पे जा रही है, क्या चीज़ लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो इस पर आपने काम करना है। इसके अलावा आप मेरी मैंने यूट्यूब में और जो मैंने ऑनलाइन अर्निंग का कोर्स बनाया है तो आप वो देखें, उसमें भी आपको मैंने कंप्लीट डिटेल से समझाया हुआ है कि आप यूट्यूब में अगर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके लिए आपको आपके पास कैसे वर्ड होने चाहिए ताकि आपकी वीडियो रैंकिंग में जाए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये बस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने कुछ ऐसी टाइप करनी है कि जो जिसकी वजह जिस डिस्क्रिप्शन से आपके ब्लॉगिंग या आपकी जो वेबसाइट होती है उसको ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें और वो रैंकिंग कर सके। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने क्या करना है, डन पे क्लिक कर देना है, और जो ही डन पे क्लिक करेंगे तो आप बस यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या है, कह रहे हैं कि कमेंट्स कौन कौन से लोग रीडर करें, आप रीड कर सकें, आप अलाउ करें सबको, ये जो आपने आज जो आपने पोस्ट बनाई है तो कौन से लोग रीड कर सकें आप अलाउ कर दें, सब रीड कर सकें, और सॉरी रीड करके कमेंट कौन कौन से लोग कर सकें तो आप अलाउ कर दें कि हर कोई कमेंट्स कर सके। इसके अलावा डोंट अलाउ करेंगे तो कोई कमेंट नहीं कर सकेगा, डोंट अलाउ मीन हाइड एग्जिस्टिंग शो, ये आपको नज़र आए लेकिन कमेंट कोई ना कर सके, और ये कोई भी कमेंट भी ना कर सके, और ये हाइड रहे, किसी को नज़र ना आए, आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन कमेंट में जितने ज़्यादा आप के आपकी जो पोस्ट है उसमें जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह कंपोज मोड में आपने HTML में आप चाहते हैं कि कंपोज किया हुआ या मूड हो सके कंपोज हो सके HTML में, जैसे कि यहाँ पे देखें तो HTML में कंपोज क्लिक करें तो नहीं हुआ, हाँ हो गया, ठीक है,
यहाँ पर देखिए तो ये HTML में इसकी सारा काम किया हुआ है, और इसी तरह आपने इसको भी शो करना है, और क्या मतलब कि HTML की जितनी साइड है उनमें इसी तरह ही शो। ओके आप कर दें, और लाइन ब्रेक बी आर जो है आपके पास, अगर लाइन आप ब्रेक यूज़ करते हैं तो लाइन ब्रेक हो, लाइन ब्रेक का टैग यूज़ हो ब्रेक का, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और वो HTML में देखें, जब मैं एंटर प्रेस एंटर करूँगा तो ब्रेक का टैग यूज़ हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्रेस एंटर करके मैं इसको डन करता हूँ ना, देखिएगा तो मैं यहाँ से इसको एंटर करता हूँ ना, तो अब जाके HTML में जाके देखें तो जहाँ से मैंने इसको एंटर किया है वहाँ पे ब्रेक का टैग यूज़ हो गया होगा। मैंने कहाँ से एंटर किया जी, स्टॉप से। तो स्टॉप में देखें तो ये आप देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ब्रैकेट एक यूज हो गया। तो बेसिकली ये PHP का इसने ये बताया हुआ, लेकिन ये भी आपका फंक्शन होता है कि आपका जो ये ब्रेक हुआ है यहाँ से स्टॉप, तो यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज हो गया। तो आप इसको जो है तो ऑप्शन में जाके यूज ब्रेक टैग डन कर दे। ओके तो यहाँ से इसको मैं बैकस्पेस करता हूँ, पोस्ट हमारी हो गया। अब इस पोस्ट को पब्लिश करना है तो पब्लिश करते हैं, और जो ही पब्लिश करूँगा तो आप देखिए वहाँ पे टैग आ जाएगा जो कि इसको कह रहा है कि आपने इसको शेयर भी करना है गूगल प्लस में, नहीं नहीं शेयर करना। और यहाँ पे जब मैं इसको व्यू ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि नई पोस्ट आ गया, और इसी पोस्ट को आप यहाँ से रीड मोर क्लिक करें, अब देखें ये जो आपके पास पोस्ट है इसके पास एमएच तो कोई नहीं लगी हुई, और यहाँ पे देखें तो ये आपके पास फ्री ऑनलाइन ब्लॉगर ट्रेनिंग है, इस पर क्लिक करें। अब ये जो पोस्ट है ये फ्री ऑनलाइन ब्लॉगर ट्रेनिंग, इसके टाइटल भी आ गए यहाँ पे, और लोकेशन भी इसने बता दी है, और ये पोस्ट कहाँ पे आई जी, ब्लॉगर ट्रेनिंग में। देखें तो ये फ्री ऑनलाइन ब्लॉगर ट्रेनिंग में आई है, और ये आपके पास यहाँ पे इसका जो है तो लेबल भी ऐड हो गया, मुझे नाम भूल गया था लेबल का, तो लेबल भी ऐड हो गया इसके साथ देख सकते हो। तो मैंने तो देखते हैं कि हमने लेबल से ऐड किया था, तो यहाँ पे साथ लेबल भी ऐड हो चुके। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आपको पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और SEO की मदद से कैसे काम करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया। और यहाँ पे देखें तो कैटेगरीज में भी आपके ब्लॉगर ट्रेनिंग आ गई है, देख सकते हैं ब्लॉगर ट्रेनिंग यहाँ पे आ गई है। तो यही कैटेगरीज हम यहाँ पे ऐड करना भी सीखेंगे, तो नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।